Namaskar. Today we are going to discuss IIT JEE mains paper held on 7th of January 2020 first shift. क्वेश्चन कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज क्या? चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे कि आयन आयन दे रखा है, आयन डायपोल दे रखा है और डायपोल डायपोल दे रखा है. अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ और लिखूँ, जैसे कि मैं दो स्पीसीज मान लूँ, एक ए पॉजिटिव एक बी नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज योर आयन आयन अट्रैक्शंस. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ जिसमें मैं बात करूँ कि मान लीजिए आपके पास ए बी कोई स्पेसेस है जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इसके सामने कोई बी नेगेटिव आ जाए जिसके पास प्रॉपर नेगेटिव है. तो अब जब ये प्रॉपर नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होंगे, इस अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? आयन डायपोल अट्रैक्शंस. सिमिलरली एक तीसरा केस मान लो जिसमें आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाले ही स्पीसीज, जैसे ए बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. सिमिलरली वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ ए बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. तो यहाँ अगर आप देखें तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में अगर आपस में अट्रैक्शंस हो जाएं तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. और मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्शंस होंगे. इस कारण की वजह से जब प्रॉपर पॉजिटिव प्रॉपर नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जब प्रॉपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉपर पॉजिटिव प्रॉपर नेगेटिव वाला ज़्यादा अट्रैक्शन होगा. इसलिए सबसे ज़्यादा आयन आयन, देन आयन डायपोल, देन डायपोल डायपोल. इसलिए द करेक्ट आंसर शुड बी आयन आयन, देन आयन डायपोल, देन डायपोल डायपोल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली. बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी मेंस में. आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हम यूनिवर्सल सा एक ट्रुथ पढ़ाते हैं कि जब भी कंबाइंड फॉर्म में एल्कली मेटल होगा इट विल ऑलवेज गिव यू ऑक्सीडेशन स्टेट +1. तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट इज ऑलवेज. शब्द पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलवेज इज ऑलवेज +1. तो चाहे आप किसी भी एग्जाम्पल में देख लो, पोटेशियम विल ऑलवेज भी +1. तो इसलिए आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा +1 +1 +1. तो आप इस के को बात करो, इस के की बात करो, चाहे इस के की बात करो, तीनों में ये +1 +1 या +1 ही होगा. तो पोटेशियम तो ऑलवेज +1 ही होगा. वेरी अगर करेगा भी तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी शायद वेरी कर जाए. जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन आपको दिखेगा ये नॉर्मल ऑक्साइड है हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, एंड सेकंड वन दिस वन इज पेरोक्साइड ऑक्सीजन दैट इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट -½ एंड बीच वाला K2O2 इज योर पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट -1. तो ऑक्सीजन का क्वेश्चन पूछता तो शायद डिफर भी करता, लेकिन पोटेशियम का क्वेश्चन पूछ रहा तो डिफर नहीं करेगा. सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1 +1 ही होगा. इसकी वजह से सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एट 35°C द वेपर प्रेशर ऑफ CS₂ इज 512 mm ऑफ Hg and that of acetone is 344 mm of Hg. A solution of CS₂ in acetone has a total vapor pressure of 600 mm of Hg. तो इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है. जैसे कि अब मैं मान रहा हूँ कि आपके पास दो स्पीसीज हैं, वन इज CS₂ को A मान लेता हूँ, एसीटोन को मान लूँ मैं B मान लूँ. तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं राउल्स लॉ जैसा कुछ अगर एप्लीकेबल अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, या जब P0A इज इक्वल्स टू जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 512 mm ऑफ Hg. सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर आपको P0B आपको गिवन है क्या, 344 mm ऑफ Hg. अगर मैं मान लो इसमें कुछ भी मोल फ्रैक्शन यूज कर लूँ राउल्स लॉ अकाउंट, दैट इज P टोटल इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB. तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी x से x भी मान लूँ, कोई भी वैल्यू उसकी मोल फ्रैक्शंस की रख लूँ, फिर भी ये 600 कभी नहीं पहुँचेगा, ये 600 से कम ही रहेगा. जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ लेट करके देखता हूँ, मान लो मैंने दोनों को 50-50% मान लिया, 0.5 मैंने मोल फ्रैक्शंस मान लिए. एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I'm just assuming, हाँ I'm just assuming कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है एक्स से एक्स बी वो 0.5 है, मतलब दोनों 50-50% बढ़ा हुआ है। और ऐसा अज्यूम करके मैं एक बार रफली कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या आता है। तो ये आएगा आपके पास 512 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 344। ऐसा करने से पी टोटल आपका कितना आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेट किया तो आ रहा है 428 mm ऑफ Hg। आप कितना भी मोल फ्रैक्शन रख लो कभी भी 600 नहीं पहुंचेगा। ये मतलब कि आपकी जो थियोरेटिकल वैल्यू आने चाहिए, जो राउल्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, उससे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि ये सॉल्यूशन आपका डिवीजन दिखा रहा है। कैसी डिवीजन दिखा रहा है? पॉजिटिव डिवीजन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आना चाहिए प्रेशर इतना, लेकिन आ रहा है 600 mm Hg। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इट इज शोइंग पॉजिटिव डिवीजन। लिखते हैं इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और क्या क्या पता लगता है इस बात से, देखते हैं। पता लगता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब कि हीट क्या होगी, हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और क्या बता सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन से, कि डेल्टा वी जो होगा आपका, इट शुड बी पॉजिटिव। मतलब अगर मान लो मैं ए और बी को 50-50 ml मिलाऊं तो टोटल आपका कितना आना चाहिए, टोटल आपका पॉजिटिव डिवीजन की वजह से आपका ज़्यादा आएगा, 100 से भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जो भी आपका आइडियल 50-50 को मिला के 100 आना चाहिए, लेकिन 100 से भी ज़्यादा आएगा आपका। इसका मतलब पॉजिटिव डिवीजन है। तो एक एक करके जरा ऑप्शंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से फॉल्स स्टेटमेंट, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में ये चीज़ पढ़ते ही नहीं है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। उसने पूछा होगा फॉल्स स्टेटमेंट, आप पढ़ोगे पहला स्टेटमेंट, अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपके दिमाग में चल रहा हो करेक्ट पूछा है, आप फर्स्ट पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें और देखें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अभी हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से इनकरेक्ट। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन टू प्रोड्यूस दिस सोल्यूशन। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो हीट तो एब्जॉर्ब होगी, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। कहता है कि राउल्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पी टोटल और जो एक्चुअली में आ रहा है और उसमें डिफरेंस है, इसलिए राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है CS₂ इन एसीटोन लेसर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन देमसेल्फ। तो पॉजिटिव डिवीजन का मतलब ही होता है ये स्टेटमेंट कि उनमें आपस में जो अट्रैक्शन होंगे वो लेसर होंगे। लास्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 100 ml विल गिव यू लेस देन 200 ml। तो ये तो मैंने नीचे लिखा कि डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपका एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसलिए सही आंसर होना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ देम। तो इसके लिए एक बार जब पीरियड टेबल के दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं जरा। तो ऐसा कुछ आपको पीरियड टेबल नजर आएगा, देखें। तो इसमें अगर आप जांचें तो आपको कौन कौन से एलिमेंट ऊपर क्वेश्चन में दिए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। एक तो आपको दिया गया है Ag, और Ag के आपको ऊपर दिख रहा है कॉपर, नीचे दिख रहा है आपको गोल्ड, और एक चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है Hg। इन सब में आपस में कंपैरिजन करना है, ठीक है, निकल के लिए नहीं करना है। तो इनमें जब आपस में कंपैरिजन करोगे तो एक्चुअली में आंसर AU होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में बीच में लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत फेमस फिनोमिनन होता है कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और हम ऐसे बोलते हैं 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का जो साइजेज़ होते हैं ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से Ag और AU का जो साइज़ होगा वो कंपेरेबल होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता ही होगा, आसपास होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन का जो आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दैट शुड बी AU। सो आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, The dipole of CCl4, CHCl3 and CH4 are in order। डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है ये। एक्चुअली डायपोल मोमेंट की अगर आप बात करें तो डायपोल आपका कैंसिल आउट हो जाते थे अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो। आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप देखें हर मॉलिक्यूल को बना के देखो, जो भी टोटली सिमेट्रिकल हो जाएगा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे CCl4 बनाया मैंने, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाया मैंने, CH4 बनाया मिथेन। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर और आपका इस स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो इस स्ट्रक्चर में आपके नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, μ 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सिमेट्रिकल है, इसमें भी μ 0 हो जाएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट इसमें 0 आ जाएगा। जबकि बीच वाले में आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन है, बाकी 3 क्लोरीन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस हिसाब से जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट आपको अरेंज करना है, तो 2 का तो 0 ही हो गया, 1 की कुछ वैल्यू आएगी। तो जिसकी वैल्यू आएगी उसको मैंने बोलूँ सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी कुछ वैल्यू नहीं आ रही 0 आ रहा है, उसको मैं बोलूँ कि वो सबसे पीछे होगा। इस कारण की वजह से आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर शुड बी आपका 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है Among the following statement which was not proposed by Dalton, फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है, not proposed by Dalton, मतलब आपको फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ो, आराम से देखो कौन कौन सा डाल्टन ने दिया है, कौन सा स्टेटमेंट डाल्टन ने नहीं दिया। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, देयर आर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये तो डाल्टन ने बोला था, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ये तो सीधा सीधा आपका डाल्टन का स्टेटमेंट है। ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस एंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ये स्टेटमेंट भी डाल्टन का है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन एंड रिप्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। नहीं जी, ये डाल्टन ने स्टेटमेंट नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट डाल्टन का नहीं है, इस कारण की वजह से आपका आंसर होना चाहिए, इनकरेक्ट पूछ रहा तो आंसर होना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बेसिसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो अच्छा बेस होगा, जिसकी बेसिसिटी अच्छी होगी, उसका Kb उतना ज़्यादा हाई होगा, और Kb जितना ज़्यादा हाई होगा Pkb उतना ज़्यादा लो होगा। तो क्वेश्चन में अगर मेरे को Pkb पूछा और मैं क्या करूँ, इनकी बेसिसिटी अरेंज करूँ, जो भी आपके गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपको गिवन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन, सबकी मैं बेसिसिटी अरेंज करूं और फाइनली जो भी मेरी बेसिसिटी का ऑर्डर आए उसका रिवर्स ऑर्डर लिख दूं, वो मेरा आंसर होगा, वो पीकेबी का आंसर होगा। तो एक एक करके जरा मेरे को सारे ऑप्शन उठाने होंगे, एक एक करके ऑप्शन उठाते हैं और बात करते हैं। जैसे कि पहला मैं इसके बारे में बात करूँ, ये सबसे फेमस मॉलिक्यूल देख रहा है मेरे को, कुछ ग्वेनिडिन जैसा कुछ मॉलिक्यूल है, जाना पहचाना सा लग रहा है। तो किसी भी बेस का अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड आप बना लो, जैसे मान लो इस बेस का मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं, H यहाँ लगाऊं, पॉजिटिव लगाऊं, अगर कॉन्जुगेट एसिड आपके स्टेबलाइज हो जाए तो ऐसे में मैं बोलता हूं कि वो बहुत अच्छा बेस था। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेंगे, ऐसे मतलब ये वाले लोन पेयर भी इसको स्टेबलाइज करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन इसको हेल्प कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन करने में रेजोनेंस से। इस कारण की वजह से इसका कॉन्जुगेट जो एसिड है वो बहुत स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये मोस्ट बेसिक होगा इन तीनों में, ठीक है जी। सिमिलरली आप ए ऑप्शन, सी ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन में भी मैं सेम काम करके देखूं, इसका भी मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको हेल्प करेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने में, जिसकी वजह से ये भी स्टेबल है और ये भी अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तीसरे वाले में यहाँ इस तरह का कोई फिनोमिना नहीं हो पाएगा कि रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकती, यहाँ सिर्फ CH3 हैं जो इंडक्टिव से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इंडक्टिव से इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको भी बेसिक बनाएंगे, ऑल्दो ये भी ठीक ठाक बेसिक हो जाएगा, लेकिन इनके सामने हार जाएगा, ऑप्शन ए और बी के सामने हार जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट बेसिक, ठीक है ना। तो एक बार जरा लिख लेते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होगा बी सबसे ज़्यादा, देन ए, देन सी, ये है आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। PKA मैंने बोला था उसका बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ PKB का ऑर्डर बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं बोलूँ क्या, ऑर्डर हो जाएगा आपका C सबसे ज़्यादा हो जाएगा, A उससे कम हो जाएगा और B उससे कम हो जाएगा, इसलिए आंसर शुड बी CAB मतलब सी सबसे ज्यादा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से लेना देना है इसका। अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप दिया है। कहने को बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, लेकिन कुछ भी ट्रिपल बॉन्ड पे शायद होगा नहीं, इनमें से कोई भी रिएजेंट ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पाएगा। एक एक करके हम इसको बनाएंगे, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करके देखते हैं। मॉलिक्यूल बनाते हैं पहले तो, हेक्स 3 आइन 1 अल बनेगा कुछ ऐसा सा ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन एक और कार्बन CHO। इसकी रिएक्शन इसने कराई किसके साथ? इसकी रिएक्शन इसने कराई सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम क्या है, वो ये जो एल्डिहाइडिक वाला पोर्शन है इसको रिड्यूस करेगा, इन ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा। तो CHO को रिड्यूस करके CH2OH बना देगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। अगला रिएजेंट देखते हैं क्या यूज किया इसने। अगला रिएजेंट है आपका PBr3। PBr3 का काम होता है कि अल्कोहल के OH को हटा के उसकी जगह Br लगाया था। तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी मैं बोलूँ एक कार्बन देन CH2 देन OH को हटा के लग गया एक Br। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट आपसे कहता है रिएक्शन कराओ इसकी किसके साथ, Mg के साथ। Mg के साथ ड्राई ईथर के सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा होगा। ये टिपिकल सी आपके ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने की रिएक्शन है। तो एक तरह से जो मेरे पास एल्काइल ब्रोमाइड जो ऊपर बन चुका है उससे ग्रिग्नार्ड रीजन टाइप कुछ बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr, ग्रिग्नार्ड रीजन बना लिया जी हमने। अगला देखते हैं अब इस ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक किस पे कराएगा। तो इस ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक करा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक होता था तो ऐसा करने से कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो है आपका जाके उस पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे टू गिव यू रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा COO- बनेगा, जिसको हमें लास्ट में प्रोटोनेशन देके मतलब आपको H3+ देके लास्ट में उसे OH बनाना होगा। तो CO- बन चुका है। आखिरी में यही काम करेगा जो मैंने बोला, लास्ट में H3+ से इसका रिएक्शन कराएगा और जो COO- है आपका, ये आपका COOH हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू ट्रिपल बॉन्ड हेयर, वन कार्बन हेयर, वन मोर कार्बन, देन COOH। अब ढूंढते हैं अपने ऑप्शंस में कहीं दिख रहा है क्या ऐसा कुछ। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n = 5 हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर +12। अरे तो बहुत आसान सा एक सवाल पूछा है इसने। ये बोलता है कि n = 5 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ। एक टिपिकल सा हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताना है इट विल बी = n²। तो इट विल बी 5² = 25। तो 25 ऑर्बिटल्स होंगे। अब आपको पता है 25 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अप स्पिन वाला एक डाउन स्पिन वाला। तो एक का स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा, एक का -12 होगा। इस तरीके से 25 ऑर्बिटल्स के अंदर आपके 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उन 50 में से आपके अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, उन 50 इलेक्ट्रॉन में से कुछ तो होंगे आपके +12 वाले, जिनका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आपका होगा +12, और 25 आपके होंगे, 25 होंगे आपके -12 वाले। अभी क्वेश्चन में आपसे पूछे +12 वाले कितने होंगे, तो इसलिए आंसर शुड भी क्या, +12 वाले तो होंगे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज क्या। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन करूं फिर आंसर आएगा। नॉर्मल सा एक याद करने वाला क्वेश्चन कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज नथिंग बट रॉट आयरन। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहता है कि इट इज रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली और प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग निकल कार्बोनिल। गुड क्वेश्चन। आपसे कह रहा है मेटल कार्बोनिल का जो आपकी बॉन्डिंग होती थी उसके बारे में इनमें से कौन सी थ्योरी जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन करेगी। तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा जब मेटल और कार्बोनिल का जब आपने पढ़ा होगा जब मेटल और कार्बोनिल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम की एक फिनोमिनन होता है। देखें जरा सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें कैसे बनेगी, देखें जरा मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से एक बार सिनर्जिक बॉन्डिंग का डायग्राम। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सिनर्जिक बॉन्डिंग का डायग्राम। देखिए जरा ऐसा कुछ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा जिसके अंदर आप बोलते हो कि जो मेटल के फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बोनिल के पाई स्टार मतलब कि उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में चले जाते हैं, और मेटल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा होगा कार्बोनिल का जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लोन पेयर होगा वो उसके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्डिंग होती है जिसको मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सारी की सारी थ्योरी, ये सारी की सारी बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो आंसर शुड बी 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नॉट 4, इट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया, आईपैक नॉमेनक्लेचर पूछ रहा है आपसे इस कंपाउंड का। इजी है, एक एक करके आप देखते चले क्या क्या लिगेंड्स इसमें यूज करें। एक तो प्लैटिनम यूज कर रखा है एज अ मेटल, सेंट्रल मेटल एलिमेंट। लिगेंड्स क्या क्या यूज करें हैं एक बार चेक करना। तो एक लिगेंड तो आपको यूज करता है अमीन, जिसको मैं डाई अमीन बोलूँगा। इस चैप्टर के अंदर अमीन की स्पेलिंग में डबल एम आता था, आई होप सो आपको याद हो। एक इसने क्लोरो ले रखा है, जिसको कभी कभी तो क्लोरो लिख देते हैं, कहीं कहीं क्लोराइडो लिख देते हैं, तो डायमीन क्लोराइडो। देन उसके बाद मिथेन अमीन ले रखा है इसने, मिथाइल अमीन, मिथेन अमीन बोलो। इस चैप्टर के अंदर मिथेन अमीन बोलेंगे एक्चुअली। तो आप लिखोगे यहाँ मिथेन अमीन ब्रैकेट बंद। देन उसके बाद आप मेटल का नाम लिखोगे। मेटल यहाँ पे कौन है? सेंट्रल मेटल प्लैटिनम, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें एक बार जरा उसे देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। PT NH3 होल ट्वाइस Cl NH3 CH3 ब्रैकेट बंद Cl, ऐसा करके मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे जो क्लोरीन है Cl है वो आपके -1 चार्जेस रखते हैं, या फिर मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस चार्ज है। PT का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट x मानूँ तो आई कैन कैलकुलेट बाय दिस 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल, दिस इज -1 और ये न्यूट्रल इसलिए 0 और क्लोरीन -1। दिस होल मस्ट बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ओवरऑल। तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PT विल कम आउट टू बी +2। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हो प्लैटिनम के पीछे हम रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, तो इट शुड बी 2। देन लास्ट में जो Cl लगा हुआ है उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे क्लोराइड। एक बार देखते हैं जरा ऐसा कहीं हमारे ऑप्शंस में है क्या। हमारे ऑप्शन में हमें दिखे डाई अमीन देन क्लोराइडो, ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड when treated with an excess of HBr produces क्या। तो आपके पास इपॉक्साइड जैसा कुछ दे रखा है, इपॉक्साइड पे आपको एक्सेस ऑफ HBr से रिएक्शन करानी है। जब तक भी HBr रिएक्ट करेगा तब तक उसे रिएक्ट कराते जाओ। इपॉक्साइड बना लेते हैं जो इसने दिया आपको 1 मिथाइल एथिलीन ऑक्साइड, HBr से रिएक्शन कराऊँ। सबसे पहले HBr का जो H+ आयन है वो इसको प्रोटोनेट करेगा। तो मैं ऐसा कहूँ कि ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को उठाएंगे, ये Br निकल जाएगा और ये प्रोटोनेट हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अभी जो पहले स्टेप्स ऑफ जो Br माइनस निकला था वो अपना काम करेगा, Br माइनस अब इस पर अटैक करेगा। हम बोलते थे इपॉक्साइड की क्लीवेज हम लोग पढ़ते थे, जब एसिडिक मीडियम में होगी तो मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में होगी तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो अभी एसिडिक में हो रहा है इसलिए आपका Br माइनस ये मोर हिंडर्ड साइड से अटैक कर रहा है। अगर यही रिएक्शन आपकी बेसिक में या न्यूट्रल में होती तो इधर जाके अटैक होता, लेस हिंडर साइड पे। ऐसा करने से एक Br यहाँ जुड़ गया, एक OH ऊपर जुड़ गया, फिर आपको कह रहा है एक्सेस ऑफ HBr, तो इसलिए एक बार HBr से रिएक्शन करा देते हैं, फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा OH का। ऐसा करने से Br यहाँ जुड़ा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये Br बना देगा, मतलब मैं डायरेक्टली कह दूँ कि OH को हट के Br लग जाएगा। ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर शुड बी योर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टिपिकल सा एक क्वेश्चन दिख रहा है। सिचुएशन हम पढ़ते थे, डायज़ोनियम सॉल्ट दे रखा है, डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कुछ एनिलीन या एनिलीन के डेरिवेटिव से करा रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज, अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट एक्स, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर इससे करते हैं तो क्या बनेगा। देखें तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका, आपको दिख जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका। देखें, बेंजीन विद हैविंग N2CH3 ओवर हेयर, ये मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर आपका एज इट इज उतारा है। यहाँ पे इसके पैरा पे जाके N ट्रिपल बॉन्ड N का नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएंगे, तो पैरा पे N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N विद हैविंग बेंजीन रिंग, और ये बन जाएगा SO3 माइनस Na प्लस। ध्यान से अगर देखो तो ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल आपके सामने आ गया, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। तो जब आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े होंगे टाइट्रेशन में, ये मिथाइल ऑरेंज आपने पढ़ा होगा। सीधा सीधा आपको 4th स्टेटमेंट दिख रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया इसने। जैसा हम बोलते थे कॉपर +1 है, डिस्पोशनेशन कर रहा है, उस तरह की कुछ रिएक्शन है। और कुछ E0 आपको दे रखे हैं, कुछ E0 निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं एक बार रफली एक चार्ट बना लेता हूँ। जैसा ये दे रखा है कॉपर 2+ से मान लो बन रहा है कॉपर +1, और फिर कॉपर +1 से बन रहा है कॉपर, और एक तीसरी रिएक्शन दे रखी है कि कॉपर 2+ डायरेक्टली जाके बन रहा है क्या कॉपर। ठीक है जी, ये 3 आपकी रिएक्शंस है जिसमें आप ये 3 स्पीसीज से लेना देना रहेगा। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें क्या क्या डाटा दे रखा है, उसको अगर मैं लिख लूँ, देखते हैं। इसमें कॉपर 2+ से कॉपर जाने की जो टेंडेंसी है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0, वो कितना दे रखा है देखते हैं। वो दे रखा है 0.34 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.34 वोल्ट दिया। सिमिलरली ये आपको 0.522 वोल्ट दिया है, और इसका आपको निकालना है E0। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो अगर ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को सम अप कर दो तो नीचे वाली तीसरी रिएक्शन बन जाएगी। तो 1, 2 और 3 अगर मैं कर लूँ तो मैं कहूँ तीसरी वाली को बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड वाली को सम अप करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ΔG के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। देखें, मैं कहूँ कि ΔG0(3) इक्वल्स टू ΔG0 ऑफ फर्स्ट वन प्लस ΔG0 ऑफ सेकेंड वन। डेल्टा जी नॉट आप जानते हो कि ΔG0 इज इक्वल्स टू माइनस का NF E0 होता है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इन तीनों पे लगा दूं तो क्या क्या लिखूं देखें जरा। कहा कि ΔG0(3) मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस का 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेने देना है तीसरी रिएक्शन में, इंटू F इंटू E0 ऑफ दिस 0.344। ऐसे सिमिलरली फर्स्ट वन विल बी माइनस का 1, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लेने देना है, यहाँ पे N1 होगा, F E1 नॉट। और सेकंड वाले में इट विल बी माइनस का 1, क्योंकि वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लेने देना है, इंटू F इंटू 0.522। ऐसा करने से आप देख रहे हो कि माइनस से माइनस कट जाएगा और F से F कट जाएगा। फाइनली आपका E1 नॉट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूँ 2 इंटू 0.34 इज इक्वल्स टू E1 नॉट प्लस 1 इंटू 0.522। E1 नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.68 माइनस 0.522। E1 नॉट विल बी इक्वल्स टू 0.158 वोल्ट। देखते हैं दिया है कि नहीं। इट विल बी प्लस का 0.158 वोल्ट। ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों दे रखे हैं, तो आंसर शुड बी योर सेकंड ऑप्शन, प्लस 0.158 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से दिया गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन एंड मेटाक्लोरोफिनॉल एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इन इथाइल एसीटेट was extracted initially with a saturated solution of NaHCO3 to give fraction A. मतलब इन तीनों में से कौन है जो आपका बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा, जो रिएक्ट कर जाएगा वो A है और बाकी आपकी दो चीज़ें रह जाएंगी, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। अगला पढ़ते हैं, द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेस was extracted with dilute NaOH solution to give fraction B. कह रहे जो दो चीज़ें बची थी उनको NaOH से ट्रीट किया, जो आपका ट्रीट होने के बाद रिएक्ट कर जाएगा वो होगा आपका B और जो बच जाएगा वो होगा C. द फ्रैक्शन लास्ट में क्या लगता है देखना जरा, लास्ट सेंटेंस क्या था, फाइनल ऑर्गेनिक लेयर वाज लेबल्ड एज फ्रैक्शन C. ठीक है ना, तो मैं एक बार तीनों स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एक है आपका मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटा पे Cl भी होगा, सिमिलरली मेटाक्लोरोफिनॉल, सिमिलरली मेटाक्लोरो एनिलीन। इन तीनों की रिएक्शन एक बार, इन तीनों मिक्सचर के रिएक्शन हम लोग करा के देखें बाइकार्बोनेट से। तो अगर इसकी बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करो तो आप जानते हो, अगर मैं इसको एक्स वाई और जेड लिख लूँ, बाइकार्बोनेट से अगर इनकी रिएक्शन करो आप जानते हो कि बाइकार्बोनेट से सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो एक्वस NaHCO3 से इसकी रिएक्शन कराऊँ, इससे रिएक्शन करने के बाद आपका NH2OH तो रिएक्ट करेगा नहीं, COH रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से बोलूँ कि आपका जो बाहर निकल जाएगा, मतलब जो रिएक्ट हो जाएगा वो तो क्या होगा, वो तो आपका होगा बेंजोइक एसिड, बल्कि बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन चुका हो क्योंकि बेसिक मीडियम है, CO- आ जाएगा। और जो अनरिएक्टेड रह जाएंगे वो फ्रैक्शंस क्या होंगे उनके देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको दिया है क्वेश्चन में कि दिस विल बी फ्रैक्शन A। सिमिलरली मैं देखता हूँ क्या कि Y और Z आपका बच गया है, यहाँ से जो बच गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ से बचा आपका एक तो मेटाक्लोरोफिनॉल और एक बचा आपका मेटाक्लोरो एनिलीन। Y और Z आगे क्या कहता है, कहता है कि इनको आपने रिएक्ट किया किससे, इनको आपने रिएक्ट किया NaOH से। तो इनमें से कौन कौन जो NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, कौन नहीं करेगा वो देखना। तो NaOH टिपिकली बेस है, NH2 से कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि ये भी बेस 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 आपस में क्या रिएक्ट करेंगे। OH थोड़ा एसिडिक नेचर रखता है फिनॉल का, इसलिए मैं कह सकता हूँ फिनॉल के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा NaOH। तो यहाँ से जो रिएक्शन के बाद बाहर निकल जाएगा वो है आपका फिनॉल वाला डेरिवेटिव। तो यहाँ से मैं लिखूँ सॉल्युबल, सॉल्युबल में मैं लिखूं कि इट विल बी O माइनस मेटाक्लोरोफिनॉल टाइप। ठीक है जी, और जो आपका सेक्शन बाहर रह जाएगा वो होगा आपका एनिलीन, मेटाक्लोरो एनिलीन। तो लेबलिंग कर दूं मैं एक बार क्या क्या है, जैसा इसने बोला है कि आपका लास्ट में कौन बचा C। ठीक है ना, तो दिस विल बी और B, दिस विल बी C। तो आंसर क्या होना चाहिए एक बार देख लेते हैं जरा। A होना चाहिए आपका मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, B होना चाहिए मेटाक्लोरोफिनॉल और C होना चाहिए मेटाक्लोरो एनिलीन। तो आंसर शुड बी ऑप्शन 1। ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टिपिकल सा थ्योरी है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ, इनमें से किसकी ज़्यादा किसकी कम। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके बीच में बताना है। तो अगर आप देखें एक जनरल थ्योरी अगर देखें तो आपके पीरियड टेबल में लेफ्ट राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी घटती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे हैलोजन फैमिली, ये जो हैलोजन फैमिली होगी यहाँ, इनमें कौन कौन मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन होता है कि एक्सेप्शनली Cl की हाईएस्ट हो जाती है और फ्लोरीन की नीचे आ जाती है। तो या तो आप Cl के रिस्पेक्ट में कह लो वो एक्सेप्शनली ऊपर पहुंच जाते हैं, या कह लो फ्लोरीन एक्सेप्शनली नीचे आ जाता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है जनरली कि फ्लोरीन के पास क्या है, बहुत छोटा साइज़ है। बहुत छोटे साइज़ में जब साथ साथ इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे जब आप 8वां इलेक्ट्रॉन लेके आते हो, फ्लोरीन इतनी आसानी से, इतनी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इस कारण की वजह से फ्लोरीन की जो है इतनी टेंडेंसी नहीं टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है कम और क्लोरीन की हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, सबसे ज़्यादा आपका होगा क्लोरीन, देन होगा आपका फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऑप्शन में जांचते हैं। पहली बात नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, किसी का भी पॉजिटिव तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, चौथा वाला, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा दी है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, तो आंसर शुड बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा है इसने, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है इन रिएक्शंस को देखो, और विच ऑफ दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होते थे, जो मोर, हम बोलते नहीं मोर सब्सिट्यूट लेकिन विल बी मोर स्टेबल, तो कब कब सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं होता है वो अगर मैं लिखूँ, क्राउडेड बेस हो तो सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पुअर लिविंग ग्रुप हो तो सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनता है, जैसे एफ। तीसरी सिचुएशन, अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रही हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कॉन्जुगेटेड बन रही है लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो भी वो मेजर बन जाएगी और जो मोर सब्स्टिट्यूट है वो नहीं बनेगी, ठीक है। और एक चौथा तो फेमस है ये, वो तो ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते हैं, फेमस है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन के अंदर आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो वैसे सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ये क्राउडेड बेस है, तो इसलिए आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, क्राउडेड बेस में आपका लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए। फिर भी एक एक करके सारे ऑप्शन बना लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपका OH, इसका आपने रिएक्शन कराया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट रिएक्शन में, हीट भी देना चाहिए था तो हम मानेंगे, ऐसा करने पे आपका ये एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रहा है यहाँ पे Br और फिर इसको डाल रहा है एल्कोहलिक KOH। यहाँ से भी आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो शुरू के दो ऑप्शन में तो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड ही एज अ मेजर प्रोडक्ट दिख रहा है। सी ऑप्शन में क्राउडेड बेस है, इसमें से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी। देख लेते हैं एक बार, क्राउडेड बेस को यूज़ करते हैं। है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, CH3 O-, मतलब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये यहाँ से कौन है, से हाइड्रोजन उठाएगा और लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देगा, तो ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन ही आपका होना चाहिए, ओनली सी। डी को और देख लेते हैं एक बार। वैसे डी का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ OH लगाया इसने, ये CH2 देन एल्डिहाइड है। इसमें अगर आप हीट कर दो तो हीट करने से ही क्या होगा, हीट करने से आपका ये H2 को लॉस कर देगा। यहाँ से उठाएगा हाइड्रोजन, ये OH और ये पानी लॉस कर देगा। ऐसा करने से कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगी आपकी, जिसकी वजह से ये भी मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन इसलिए आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है टू सॉल्यूशन A एंड B ईच ऑफ 100 लीटर वाज मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आपसे कह रहा है 100 लीटर 4 ग्राम NaOH का एक सॉल्यूशन है, सिमिलरली 9.8 ग्राम का एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, वो भी 100 लीटर है। तो जो NaOH वाला सॉल्यूशन आपने लिया उसका, तो इसने क्या किया, उसका उसने 40 लीटर लिया इस सॉल्यूशन का, और दूसरा जो आपका सॉल्यूशन बना H2SO4 वाला उसका उसने 10 लीटर लिया। इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, 10 + 40 मतलब 50 लीटर जो आपका सॉल्यूशन आएगा, उसकी पीएच पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। एक अच्छा, फाइनली एक अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किया IIT मेंस ने, देखें जरा। तो लिखते चलते हैं, क्या क्या गिवन डाटा है देखते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है 4 ग्राम NaOH 100 लीटर और 9.8 ग्राम H2SO4 100 लीटर। इससे मैं कोशिश करता हूँ इनकी नॉर्मलिटीज़ निकालने की, इनिशियल नॉर्मलिटी जो पुराने मतलब जो इनिशियल सॉल्यूशंस है उनकी नॉर्मलिटी निकालता हूँ। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, इट इज़ नॉर्मलिटी ऑफ NaOH आई कैन से इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ NaOH इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH, और नीचे आया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और ये एन फैक्टर ऑफ NaOH। सिंस NaOH एक OH दे सकता है इसलिए उसका एन फैक्टर 1 है। तो यहाँ से आपकी नॉर्मलिटी क्या आती है, 10 ⁻³ नॉर्मल। तो NH की इनिशियल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी 10⁻³ नॉर्मल। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 गिवन मास 9.8 मॉलिक्यूलर मास 98 इंटू यहाँ पे 100 क्योंकि 100 लीटर है और H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा सिंस वो 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, इसलिए इसकी नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी 2 × 10⁻³ नॉर्मल। तो देखते हैं जरा इनको यूज करते हुए। अब सॉल्यूशन बनाया उसने इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने 40 लीटर सॉल्यूशन लिया है उसमें NaOH के कितने इक्विवेलेंट है वो देखने हमें, विल बी इक्वल्स टू 40 × 10⁻³, मतलब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कोई पुरानी वाली, वॉल्यूम अब जो आपने 40 लीटर लिया वो, तो 40 × 10⁻³ होगी इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक, सिमिलरली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन 10 लीटर विल कम आउट टू बी कितना, पुरानी वाली नॉर्मेलिटी इंटू नया वाला वॉल्यूम, नया वाला वॉल्यूम है 10, पुरानी वाली नॉर्मेलिटी 2 × 10⁻³ नॉर्मल। तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्विवेलेंट आ गया 20 × 10⁻³। अभी क्या है, इन दोनों को आपने मिक्स किया है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस हो जाएगा, मतलब आप ये देख सकते हो दोनों में से NaOH आपका आफ्टर रिएक्शन बचेगा क्योंकि ये 40 है और ये 20 है, ठीक है ना, तो आपके पास आफ्टर रिएक्शन NaOH बचेगा और H2SO4 पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितना NaOH बच रहा है उसको देख लेते हैं जरा। मैं बोलता हूँ रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ NaOH must be equals to 40 × 10⁻³ minus 20 × 10⁻³ will come out with 20 × 10⁻³। ऐसा करने पे रिमेनिंग इक्विवेलेंट आते हैं आपके NaOH के। इससे आपकी नॉर्मेलिटी निकालूं मैं, जो बचा हुआ सोल्यूशन बचा है आपका नॉर्मेलिटी का, उसका नॉर्मेलिटी निकालूं NaOH का सोल्यूशन की। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH रिमेनिंग इज इक्वल्स टू क्या होगी, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इक्विवेलेंट 20 × 10⁻³, टोटल वॉल्यूम कितना, 40 + 10, 40 + 10, 50, तो डिवाइड बाय 50। ये हो गई आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ रिमेनिंग NaOH। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है NaOH की क्योंकि उनका एन फैक्टर 1 है, ठीक है ना, इस कारण की वजह से मैं सीधे से कह सकता हूँ यही आपकी हो जाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ NaOH विल बी कम आउट टू बी, OH माइनस आयन की मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 20 / 50 × 10⁻³। बस, अब तो क्या OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन आ चुकी है, यहाँ से POH निकाल लो, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लिखो कि POH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन। OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, POH इज इक्वल्स टू विल कम आउट टू बी 3.397। और अब यहाँ से PH निकाल सकते हैं, PH विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो pH आप जानते हो इज इक्वल्स टू होता है 14 माइनस POH, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 14 माइनस दिस थिंग विल गिव यू आंसर 10.603। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10.603। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किया उसने। मैं कह सकता हूँ रेडियो एक्टिविटी वाले सेक्शन से, जहाँ पे थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स का भी यूज़ होगा। क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्शियम 90 विद हैविंग हाफ लाइफ 6.93। हाफ लाइफ आपको दे रखी है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि कोई न्यूली बॉर्न बेबी है जिसने एब्जॉर्ब कर लिया दिस इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। तो T90% आपको निकालना है। अच्छा जी, T हाफ दे रखा है, T90% पूछ रहा है, तो T90% डिवाइड बाय T हाफ दैट इज T50% विल कम आउट टू बी एक टिपिकल सा जो हमारा फॉर्मूला होता था ln 100/10। 100/10 क्यों, मैंने टोटल 100 मान लिया, उसमें से 90% चला गया, मतलब 90 चला गया तो बचा 10, तो 100/10। सिमिलरली नीचे करूँगा, टोटल अगर मैंने 100 मान लिया उसमें से 50 चला गया तो 50। ऐसा करने पे यहाँ से आया ln 10/ln 2। तो मैं फिर से ऊपर से निकाल रहा हूँ, T90% विल कम आउट टू बी ln 10/ln 2 इंटू T हाफ। T50% वो हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है 6.93, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कैलकुलेट किया टी 90%, LN10 की LN2 की वैल्यू रखी, टी हाफ टी 50% की वैल्यू रखी और इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे आया 23.03 ईयर्स, तो आंसर शुड बी 23.02 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन की रिएक्शन करनी है हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो एक्स और वाई कुछ बन रहा है। एक बहुत टिपिकल सी रिएक्शन होती थी, क्लोरीन डिस्प्रोशनेट करता था कंसेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में, वो रिएक्शन इसने पूछी हुई है। देखते हैं जरा एक बार रिएक्शन ही लिख के देखते हैं उसकी क्या है। रिएक्शन है आपकी, आई कैन से Cl2 प्लस NaOH, NaOH भी कैसा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, विल गिव NaCl एज अ प्रोडक्ट एंड NaClO3 एज अ प्रोडक्ट और साथ में बनेगा आपका पानी। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक उसने बोला X है, एक Y है, ठीक है ना, और आपको एवरेज बॉन्ड बताना है। अच्छा, X के लिए उसने एक हिंट दे दिया कि जो X प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, वाइट PPT बना रहा है Ag प्लस के साथ। तो Ag प्लस के साथ वाइट PPT कौन बनाएगा, जो Cl माइनस होगा, Cl माइनस वन वाला, ये बराबर वाला अगर आप देखो ये आपका Cl प्लस 5 वाला है, ये नहीं बनाएगा, Cl माइनस वन वाला आपका Ag के साथ PPT बनाया, तो इसलिए ये X हो गया, ये Y हो गया। अब वाई के बारे में क्वेश्चन आपको दिया है कि इसका एवरेज बॉन्ड निकालना है, बॉन्ड बिटवीन Cl एंड O एटम। तो एवरेज बॉन्ड अगर आपको निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। देखते हैं ClO3 माइनस आयन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होगा जैसे कि ClO3 माइनस Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। एवरेज बॉन्ड निकालने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ रेजोनेट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी और दूसरे वाले डबल बॉन्ड के साथ भी। इस कारण की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे में घूम रही है, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी सिचुएशन में हम कैसे निकालते थे एवरेज बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं कभी कभी इसे, वो निकालते थे टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड्स। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे देखें जरा, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स विल कम आउट टू बी टोटल, सॉरी इट विल कम आउट टू 5/3, तो एवरेज बॉन्ड विल कम आउट टू 1.67, आंसर होना चाहिए 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन क्लोराम्फेनिकॉल। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अगर क्वेश्चन याद होगा तो कर पाओगे, नहीं याद होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर निकालोगे फिर टिक लगाओगे, ये तो आपका थोड़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, एक एक चीज़ उसमें देखें, एनसीईआरटी में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, मेन्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में ये कहाँ दिया गया है, क्लोराम्फेनिकॉल, एनसीईआरटी में क्लोराम्फेनिकॉल कहाँ दिया गया है देखते हैं एक बार। ये आपका देखो पेज नंबर 447 पे चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें ये क्लोराम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको बताना है इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, तो अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो बता पाओगे, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ना करें अगर आपको स्ट्रक्चर याद ना हो तो, अननेसेसरी मार्क्स गवाओगे आप। तो कायरल कार्बन, एक तो ये कायरल कार्बन दिख रहा है, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, एक ये कायरल कार्बन दिख रहा है और कोई कार्बन कायरल नहीं है, बेंजीन के भी कायरल नहीं होंगे, इस कारण की वजह से फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, ये भी अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया इसने। क्वेश्चन में आपको डेल्टा यू गिवन है किलो कैलोरीज में, लेकिन डेल्टा एस गिवन है कैलोरीज में, तो ये थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें यूनिट में मार खा जाते हैं, या तो दोनों को कैलोरीज कर लो या दोनों को किलो कैलोरीज कर लो, फाइनल आंसर हमें डेल्टा जी निकालना किलो कैलोरीज में, ठीक है जी। रिएक्शन आप देखो लिक्विड से दो गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, डेल्टा एन जी भी निकल जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आपको पता है कि गैस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ए तो लिक्विड है गैसियस है ही नहीं, इसलिए 2 माइनस 0 डेल्टा एन जी विल कम आउट टू बी 2, ठीक है ना। तो डेल्टा एन जी आपका 2 हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 2.1 इंटू 10⁻³ कैलोरीज में रखा मैंने इसको। डेल्टा एन जी मैंने 2 निकाला, आर को भी कैलोरीज में रखते हैं अभी क्योंकि सब कुछ कैलोरी में लेके चल रहा हूँ मैं। आर को कैलोरीज में रखोगे तो 2 आएगा। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 कैलविन, यहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट कर लिया 3300 कैलोरीज। अब इसकी हेल्प से हम लोग डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच हमने निकाला 3300 माइनस टी है आपका 300 कैलविन और डेल्टा एस है आपका 20 कैलोरीज, सब कुछ कैलोरीज में अभी, ठीक है ना। यहाँ से डेल्टा जी निकाला आपने, कैलोरीज में आंसर आएगा अभी फिलहाल माइनस में 2700 कैलोरीज। किलो कैलोरीज में अगर चाहिए तो डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2.7 किलो कैलोरीज, तो आंसर विल बी माइनस 2.7। किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको याद होना चाहिए। ये देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल याद करने वाला चीज़ आ गया इसमें। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ ना तो कम से कम ये देखो पेज नंबर 456 पे कुछ आपको ये कंटेंट दिख रहा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर। अब मैं आपसे कहूँ तो फिर भी लेकिन विटामिन सी का काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों को पता होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो कम से कम एक मैचिंग तो सबको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा कि एस्कॉर्बिक एसिड को स्कर्वी से मिलाऊं। बाकी इसी चार्ट के हेल्प से आपके राइबोफ्लोविन और थाइमिन है, पायरिडॉक्सिन है, सबको आप मिला सकते हैं। जैसे राइबोफ्लोविन को इससे मिलाऊँ, ठीक है, थाइमिन को बेरीबेरी से मिलाऊं एंड पायरिडॉक्सिन को ऑप्शन डी से मिलाऊं। तो ये आपका सिंपल सा फैक्चुअल याद करने वाली चीज़ है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं। 1 के साथ सी को मिलाया, 2nd के साथ ए को मिलाया, 3rd के साथ डी को मिलाया और 4th के साथ बी को मिलाया। तो आंसर शुड बी योर ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1, दिस शुड बी योर आंसर। Thank you.